इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल मेरी रिसर्च व जानकारी द्वारा दी गई है। हो सकता है कुछ समय बाद यह जानकारी नई व काम की न रहे, तो समय रहते वीडियो को देख ले। हे गाइस, मैं राहुल। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में बनने वाले भारत के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि यह क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और कैसे यह उत्तराखंड में रोजगार का एक बड़ा अवसर बन सकता है। पहले जानते हैं स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर क्या है। इस प्रोजेक्ट में हिमालय में रह रहे स्नो लेपर्ड को बचाया जाएगा, इनकी संख्या रिकॉर्ड की जाएगी और उनको एक ऐसा पर्यावरण दिया जाएगा जिससे यह बेहतर ढंग से रह सके और अपनी संख्या में बढ़ोतरी भी कर सके। इनकी पहचान करने और संख्या जानने के लिए यहाँ कैमरे व पिंजरे लगाने का कार्य सितंबर 2020 में होना था, जो कोविड-19 के कारण तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। यह सेंटर केवल उत्तराखंड में इसलिए खोला जाएगा क्योंकि उत्तराखंड के गढ़वाल के उत्तरकाशी और कुमाऊं के पिथौरागढ़ में भारत के सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड को देखा गया है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर यह कार्य करेगी, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लंका में बनाया जाएगा, जो भैरव घाटी में है। अब जानते हैं इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, यदि किसी प्रजाति का संरक्षण करने की ताकत किसी में है तो वह मनुष्य, और जानवरों और पर्यावरण को बचाने से ही हम बच सकते हैं। तो अगर एक एक करके सभी प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो पर्यावरण लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, और पर्यावरण नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। अब ऐसे में अनडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया स्नो लेपर्ड को हमें बचाने से एक शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध पर्यावरण मिलेगा और यह स्थान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कुछ हद तक कारगर भी साबित होगा। कैसे यह सेंटर उत्तराखंड में रोजगार बढ़ा सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों की कमाई का मुख्य भाग टूरिज्म ही है, जो लगभग 60-70% कमाई का जरिया है। ऐसे में यदि कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में खुलता है तो लोगों की यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई नौकरियां उपलब्ध करवाई जा सकती है। आसपास के कई ग्रामीणों को इसमें शामिल किया जा सकता है, उनकी मदद लेकर स्नो लेपर्ड को ढूंढा जा सकता है। साथ ही स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खुलने के बाद यहाँ पर विंटर टूरिज्म भी बढ़ सकता है। ऐसे में इसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट है जो टूरिस्टों को यहाँ बुलाकर स्टेट की इकोनॉमी में बढ़ोतरी कर सकती है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप जान पाए होंगे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के बारे में, जो भारत का पहला कंजर्वेशन सेंटर है स्नो लेपर्ड के लिए और उत्तराखंड में ही है लगने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिएगा, साथ ही साथ अपने कमेंट में सुझाव देना मत भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।